वेलकम बैक टू पैक टू ऑसम। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि सर्दियों में हमारी जो एड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाती हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एड़ियों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरी चीज़ है कि हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं दो चीज़ों की वजह से हमारी जो एड़ियां हैं वो काफ़ी रफ हो जाती हैं, और कभी कभी ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनमें ब्लड आने लगता है, डस्ट जाती है, तो इन्फेक्शन फैल जाता है। तो इन्हीं सब का सोल्यूशन लेके मैं आज आई हूँ कि विंटर्स में आप अपनी एड़ियों को कैसे साफ करें। साफ तो करें ही करें, साथ में उन्हें बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको विंटर की एड़ियों की एक क्रीम भी बनाना बताऊंगी कि कैसे आप एक बेस्ट मॉइस्चराइजर बनाएं अपनी एड़ियों के लिए, क्योंकि हमें एड़ियों के लिए एक थिक मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है जिसकी एक लेयर आपको अपनी एड़ियों के चारों तरफ लगानी है। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आपने इस फॉर्मूला को एक हफ्ते तक यूज किया तो आपकी एड़ियां पूरी तरह क्लीन हो जाएंगी, बिल्कुल भी फटी नहीं रहेगी, कोई भी दरारें नहीं रहेंगी। तो मेरे इस ट्रीटमेंट का फर्स्ट जो हमें करना है, फर्स्ट ट्रीटमेंट करना है वो हमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना है, एंड सेकेंड इज अ मॉइस्चराइजर, यानी कि दो स्टेप हमें फॉलो करने हैं। और इन दोनों स्टेप को आपको लगातार एक हफ्ते तक यूज करना है और इसके रिजल्ट 100% बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हल्का गर्म पानी लेना है, और इतना ही गर्म पानी लीजिएगा जितना आपके पैर सह सके। तो आपको एक बकेट में गर्म पानी लेना है, उसमें लगभग 2 ढक्कन या 2 टेबल स्पून आपको विनेगर डालना है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, और उसमें आपको लिक्विड सोप डालना है या आप शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसमें अपने पैरों को सोक करना है। अगर नेल पॉलिश लगी है तो उसे रिमूव करके आप लगभग इसमें 10 मिनट तक अपने पैरों को सोक करिए, या फिर जब तक ये पानी गर्म है तब तक आप अपने पैरों को इसमें सोक करिए। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सोक वाटर से अपने पैरों को निकाल के उसे क्लीन वाटर से वॉश करने के बाद अपने पैरों को स्क्रब करिए ब्रश की हेल्प से। जो स्क्रब ब्रश आता है या पेडिक्योर ब्रश आता है, उसे जहाँ जहाँ आपकी डेड स्किन है वहाँ पे इस रफ स्किन को अपने इस स्क्रबर से निकाल दीजिए। दोनों पैरों में आपको सेम यही चीज़ करनी है, और बहुत आसानी दोनों पैरों को अच्छे से स्क्रब करिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको फिर अपने पैरों को टैप वाटर से वॉश करके अपने पैरों को टॉवल की हेल्प से सुखा लीजिए। और इसके बाद अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपको क्रीम। ये देखिए ब्रश है, इस ब्रश की हेल्प से आप अपने पैरों को स्क्रब करिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद अब मैं आपको क्रीम बनाना बताऊंगी। एक तो यहाँ पे आपको वैसलीन लेनी है, और इसके बाद आपको जॉनसन बेबी क्रीम लेनी है। फ्रेंड्स, जॉनसन बेबी क्रीम बहुत ही क्रीमी क्रीम है, तो ये आपके पैरों को एक लेयर देगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको फिर एक विटामिन ए का कैप्सूल डालना है। और फ्रेंड्स, वैसलीन और जॉनसन बेबी क्रीम दोनों ही एक डीप मॉइस्चराइज़र हैं, तो और पैरों के लिए डीप मॉइस्चराइजिंग बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आप ये फॉर्मूला रोज़ रात को अप्लाई करिएगा, और क्रीम को लगभग 1 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको इसे अपने पैरों या फिर पॉलीथिन फॉयल से रैप करके आप इसमें सॉक्स पहन लीजिए और ओवरनाइट ऐसे छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में देखिए धीरे धीरे जितनी भी दरारें हैं वो भरेंगी, और डेड स्किन बहुत तेज़ी से आपके पैरों से निकलेगी। आपको एक लेप लगा के छोड़ना है। तो ये देखिए, मैंने पॉलीथिन फॉयल से इसे रैप कर लिया, और अब मैं इस पर सॉक्स पहन लूँगी।
तो पैर बहुत अच्छे से मेरी एड़ियाँ भरेंगी और पैरों को बहुत अच्छे से नरिशमेंट। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी आपको यहाँ शो हो जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे मैं डेली अपडेट करती रहती हूँ कि मैं मॉर्निंग ड्रिंक में क्या ले रही हूँ, इवनिंग ड्रिंक में क्या ले रही हूँ, मेरा करंट ब्रेकफास्ट रूटीन क्या है, मेरा करंट डिनर रूटीन क्या है, मेरा करंट लंच रूटीन क्या है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम होते रहे कि आपको क्या खाना है वेट लॉस के लिए और क्या करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।